बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में कथित हमले की घटनाओं के बाद अब वहां के मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमिलनाडु से बिहार आ रही लगभग हर ट्रेन में हजारों लोग किसी तरह सुरक्षित लौटने की कोशिश करते दिखे। बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन जहां तमिलनाडु से गाड़ियां आती हैं, मजदूरों से पटे हुए हैं। मजदूर स्टेशन से निकलकर अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। अभी तक हजारों मजदूर तमिलनाडु से वापस लौट चुके हैं। जो मजदूर वहां से लौटे हैं, उनके मुताबिक सिर्फ हिंदी बोलने के कारण वो स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार बन रहे हैं। वो मरता है कि आप लोग हिंदी है, हम बोलते हैं कहां हिंदी है, बस हिंदी बोलते हुए वो मरना चालू कर देता है और पूछता है कुछ नहीं। बेचन पासवान की ही तरह हजारों लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर जान बचाकर तमिलनाडु के शहरों से वापस लौटे हैं। कई तो किसी तरह भागकर जान बचा पाए। वहां पहुंचा चार आदमी मिल के, हम लोग को रगड़ने लगा, रगड़ने लगा तो हम लोग जाके पुलवातर में बैठ गए, भाग के बैठे। वहां से लौटे मजदूरों का आरोप है कि तमिलनाडु की पुलिस भी इस तरह के हमलावरों के खिलाफ कुछ नहीं करती। मारपीट बहुत हो रहा था, इसलिए हम सब वहां से चल दिए। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मगर देख रहे कुछ भिड़ा हुआ है आदमी। वहीं तमिलनाडु की घटना पर बिहार में सियासत भी अपने चरम पर है। विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार पलायन का मुद्दा उठा रही है, तो सत्ता पक्ष मामले की जांच कर पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटा है। मजदूर रोजगार की कमी के कारण पलायन को मजबूर हैं, उनके लिए सही समाधान करने की कोशिश ना के बराबर की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बिहारी लोगों को इसलिए अपमान सहना पड़ रहा है क्योंकि यहां रोजगार के अवसर हैं ही नहीं। बिहारी जो मजदूर हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आलोचना निंदा से नहीं चलेगा काम, बल्कि जरूरत इस बात की है उद्योग का जो रफ्तार बिहार में बना था उसको तेजी से करना चाहिए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि मारपीट जैसी घटनाओं में कुछ तो अफवाह है और कुछ घटनाएं अगर हुई हैं तो उसकी जांच की जा रही है। तमिलनाडु में जो हो रहा है उस पर सरकार का पूरी तरह से नजर है और सरकार पूरे नियंत्रण रखे। Z News.